द मैक्सिमम हाइट अगर एक क्रिकेट बॉल थ्रो की जाती है 28 से, सो 28 मीटर पर सेकंड से थ्रो की, और कितने एंगल पर थ्रो की, 30 पर। तो कई चीज़ें पूछ रहा है, एच मैक्स का फार्मूला बताओ। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, दैट इज 28 स्क्वायर इंटू साइन 30 डिग्री का स्क्वायर अपॉन 2 × 9.8। तो ये कुछ 7 कितना आ गया था, 784 आया था क्या, 64, चेक करो, 1/2 का स्क्वायर। नहीं तो 28 × 28 लिखो, ये सब कट जाएगा, तो 2 × 9.8, 2 से कटा 14 आया, 98, तो 0.7 आया, और 0.7 से डेसिमल हटाओ तो 280 आया, तो ये 40 आया, और 1/2 से 1/4 आ जाएगा, तो क्या ये 10 मीटर आ गया। और सेकंड देखो, टाइम टेकन टू रिटर्न टू सेम लेवल, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u sin θ/g, तो 2 × 28 × sin 30 डिग्री बाई 9.8, तो 9.8 और ये दोनों 14 से कट जाएंगे, और 0.7, और sin 30 कितना होता है, 1/2, सो 2 × 2 × 1/2 है, और × 0.7, तो एक 2 से तो 2 कट गया, 20/7 कितना होगा, क्या 20/7 2.9 सेकेंड होगा, और रेंज कितनी होगी, क्या यू स्क्वायर साइन 2 θ/g होगी, जो कि 28 का स्क्वायर और साइन 2 × 30 डिग्री होगा बाई 9.8, दैट इज 28 × 28 × sin 60 डिग्री अपॉन 9.8। यदि 14 से इसको काटा जाए तो ये 0.7 आएगा, और 0.7 से इसको काटा जाए तो 40 आएगा, 42 जा 80, और √3/2, इससे 40 आ गया, तो क्या 40 √3 हुआ, और √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो इसका आंसर क्या हुआ, अब याद आ रहा है कि नहीं, ये हो चुका है। कितना आया, सिक्सटी नाइन पॉइंट टू मीटर इतनी हो गई रेंज। चलो अब आगे देखो कि हम लोगों ने देख लिया, इस्टेब्लिश करना है, 4.6 एक्सरसाइजेस में आई है, एक्सरसाइजेस में 4.6, सो a+b, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इट इज लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी, तो वी नो कि हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये क्या होगा, क्या ये ए प्लस बी वेक्टर होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये बताओ कि ए बी क्या है, लेंथ क्या, मॉड ए वेक्टर है, बी सी क्या है, क्या मॉड बी वेक्टर है,
और ये सी क्या है? क्या मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है? वो तो ये बात समझ आएगी नहीं, ये बात बताइए। अच्छा एक और बात बताओ कि इन एनी ट्रायंगल, ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो क्या ए बी प्लस बी सी क्या ये ग्रेटर होगा ए सी से? धागा रख के देख लो, क्या ये धागा लंबा नहीं इन दोनों कसम इससे? तो ए बी क्या होगा? मॉड ए वेक्टर। और ये क्या होगा? और ए सी क्या बताया? ये क्लियर हो गया? बताइए फर्दर इफ, फर्दर इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर मान लीजिए ये बिंदु संरेखीय हुए तो क्या होगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रायंगल ना बनाते हो, एक ही लाइन पे पढ़ते हो, तब फिर क्या हो जाएगी बात? इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो ऐसी स्थिति में ए बी और ये सी, तो ए बी प्लस बी सी क्या होगा? क्या ए प्लस बी हो जाएगा? फिर तो सीधा ही जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों तो एक ही तरफ लग रहे हैं ना, क्योंकि टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस तो जीरो हो जाता है ना फिर उस केस में, अगर सीधे वेक्टर हैं तो सिंपली ऐड हो जाएंगे कि नहीं? तो इस तरीके से वैसे भी तो ए बी प्लस बी सी क्या होगा? क्या ए सी हो जाएगा? सो ऐसी स्थिति में अगर पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो क्या ए बी प्लस बी सी यही ए सी होगा? जहाँ पर ये मॉड ए है, ये मॉड बी है, और ये क्या है? मॉड ए प्लस बी। तो यदि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर दिया जाए, क्योंकि दो केसेस हैं, तो या तो ये बड़ा आ रहा है या इक्वल आ रहा है, सो कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू, सो मॉड ए प्लस मॉड बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। बोलो बात सही है? इतनी बात समझ में आई? सेकेंड पार्ट देखो, मॉड ए प्लस बी। अब देखो कि मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि ये हमने ले लिया और ए प्लस बी है, तो बी इसमें कहीं पे हो सकता है। तो हम मान लीजिए कि मॉड ए माइनस बी, सो ये ए है, ये बी है, और ये क्या हुआ? क्या ये ए प्लस बी हुआ? यहाँ तक ठीक है? तो बताओ ए बी क्या हुआ? क्या मॉड ए हुआ? बी सी क्या हुआ? क्या मॉड बी हुआ? ए सी क्या हुआ? मॉड ए प्लस बी। और ये तो हम जानते ही हैं कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से ए प्लस बी ही ए प्लस बी होगा, भाई ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से होगा कि नहीं? तो फर्दर ये बताओ कि क्या ए बी प्लस बी सी ये ग्रेटर देन ए सी होगा? किन्हीं दो सम, किन्हीं दो साइड्स का सम बी सी साइड से ज़्यादा होगा क्या? बताओ, इस बात से सहमत हो? ठीक है, अब देखिए किन्हीं भी दो साइड्स का सम बी सी साइड से ज़्यादा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि
तो यहाँ पर ऐसा करो कि ए सी प्लस बी सी थोड़ा सा चेंज कर देंगे, क्योंकि साइड है ना, तो क्या लिख दें, अब इन दोनों साइड को लो ए सी और बी सी, और उधर क्या ले लो ए बी, बोलो तब भी ज़्यादा होगा कि नहीं, ए सी और बी सी सिर्फ साइड साइड लो, ए सी कितना है, क्या ए प्लस बी है, बी सी कितना है, क्या मॉड बी है, और क्या ये ज़्यादा होगा मॉड ए से, बोलो। सो मॉड ए प्लस बी शुड बी ग्रेटर देन मॉड ए माइनस मॉड बी, ऐसा हो सकता है कि नहीं, मैंने इसको उधर ले लिया, हुआ कि नहीं। बट साइड्स ऑफ ट्राइंगल कैन नेवर बी पॉजिटिव निगेटिव, क्या ये निगेटिव होगी या कुछ निगेटिव होगी ये, क्योंकि साइड्स हैं, तो इसलिए अगर मान लीजिए ये वैल्यू तो पॉजिटिव है ही है, सो एज एल एच एस इज पॉजिटिव तो सो दिस शुड ऑल्सो भी पॉजिटिव, ये इसके निगेटिव होने से चल जाएगा, नहीं चलेगा ना। तो एज एल एच एस इस पर जो बड़ी चीज़ है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्योंकि सभी साइड का सम है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे तो साइड्स आर शुड बी पॉजिटिव, तो इसलिए आप यहाँ कुछ भी करें, मान लीजिए कोई चीज़ बड़ी है कोई छोटी है, तो सिंपली ये न लिखते हुए, छोटी चीज़ तो खैर निगेटिव हो सकती है, यहाँ से देखा जाए तो छोटी निगेटिव हो सकती है, फिर भी टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, अब यहाँ पर हम क्या कर दें, मॉडुलस ऑन बोथ साइड, तो मॉड ए प्लस बी पे फिर से मॉड, और उधर क्या करो मॉड ए माइनस मॉड बी पे मॉड, तो ये चीज़ प्रूव हो गई, ठीक है। फर्दर इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर तो क्या किया जाए, तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो फर्दर इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर है वही चीज़, ये बस ए सी प्लस सी बी इज ए बी है वही चीज़, ए सी प्लस सी बी, ए सी किसे माना है, क्या ए प्लस बी को, ठीक है, और सी बी किसे माना है, तो सी बी माना है बी को, तो और ए बी किसे माना है, क्या ए को, तो ए प्लस बी और प्लस बी इट इज इक्वल्स टू ए, सो ए प्लस बी क्या हो जाएगा, क्या ये ए माइनस बी हो जाएगा, बट एल एच एस इज पॉजिटिव तो आर एच एस को भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ मॉडुलस है, एज एल एच एस इज पॉजिटिव सो आर एच एस शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, तो टेकिंग मॉड, तो एक और मॉड ले लो, लेकिन एक और मॉड इधर लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दो मॉड लेने का कोई मतलब है क्या, मॉड पे मॉड नहीं है ना, यहाँ तो लेने का मतलब बनता है क्योंकि यहाँ डिफरेंस है, लेकिन यहाँ लेने का मतलब बनेगा क्या, लेफ्ट में, तो मॉड ए प्लस बी मॉड बी, अब इन दोनों को कंबाइन कर दो, ये फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड, कंबाइनिंग वन एंड टू, तो मॉड ए प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये, बात समझ आ गई, अब देखो अब एक और चीज कही गई है कि मान लो कि
ये ए वेक्टर है सी, तो ए माइनस बी इट इज लेस देन मॉड ए प्लस मॉड बी। यदि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा, इतना होगा कि नहीं। सो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर अब बिल्कुल वैसे ही ले लो जैसे है। ये देखो मैं ये ए तो मैंने ठीक नहीं लिया, डायरेक्शन नहीं बदल सकते, जैसा है फ्री वेक्टर है तो डायरेक्शन वही रहनी चाहिए, ये हमने गलत डायरेक्शन बना दी है, तो ऐसे बनाओ ए वेक्टर, अब ठीक लग रहा है बिल्कुल एक जैसा लगना चाहिए। और बी को भी माइनस बी को भी बिल्कुल वैसे ही बनाओ माइनस बी, तो अब बताओ ये लाइन क्या होगी, क्या ये ए प्लस माइनस बी होगी या सिंपली ऐसे भी लिखा जा सकता है, समझ में आई, बोलो नहीं। अच्छा ठीक है, तो अब यहां पर देखो कि जो ए सी है क्या वो लेसर होगा ए बी प्लस बी सी से। और ए सी क्या है, क्या मॉड ए माइनस बी है, और ए बी क्या है, क्या मॉड ए है, और बी सी क्या है, मॉड ऑफ माइनस बी। माइनस बी का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो बी माना जाता है, अच्छा। यदि ये लाइनें कोलिनियर हो गई तो क्या चीज होगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ए बी लो बी सी लो, तो अगर लाइनें कोलिनियर हैं ए बी बी सी तो ए सी, ऐसे लिख दो ए बी प्लस, क्योंकि कोलिनियर में तो वेक्टर को बदलना पड़ेगा ना, फिर केस टू है इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, तब तो अपनी डायरेक्शन में थोड़ी ना चल पाएंगे। तो ए बी क्या माना था, तो ए बी ए है और बी सी क्या है माइनस बी, और इट इज इक्वल टू ए माइनस बी, दिस इज द केस ऑफ कोलिनियरिटी। तो ये क्या हो गया, कोई वो हमें दे तो नहीं रहा है कि हमारा वेक्टर इसी डायरेक्शन में है, वो तो मैं दोनों केस जो संभावित जितने केस है वो ले ही रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड को अगर कंबाइन कर दोगे तो क्या होगा, ए माइनस बी वेक्टर इट इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन लेसर देन, मतलब दिस इज लेस देन इक्वल टू। अच्छा अब देखो इसी का डी देखो, अब वो कह रहा है कि ए भी दिया है बी भी दिया है, यही फिगर बना लो ए, और क्या ये माइनस बी है, ठीक है, तो ये क्या हुआ ए माइनस बी, सी। तो अब ऐसा करो ए माइनस बी में बी जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो ए सी प्लस बी सी, तो क्या ये ग्रेटर होगा ए बी से, तो ये हो गया, और ये क्या माइनस बी हो गया, इज इट ग्रेटर देन मॉड ए, तो क्या ए माइनस बी प्लस बी इज ग्रेटर देन मॉड ए, तो ये तो पहला केस हो गया। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज को उधर भी ले जा सकता हूँ, ठीक है कि नहीं। सो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, टेकिंग मॉड ऑन बोथ साइड, मॉडुलस,
तो मॉडुलस का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट में मॉड लोगे तो कोई मतलब नहीं है, इसको सिंपली ऐसे रखो, और जबकि राइट में क्या ले लो, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर तो क्या ए सी प्लस सी बी बोल दें, ए सी प्लस सी बी, क्योंकि कनेक्शन में होना चाहिए, ए सी सी बी, तो ए सी प्लस सी बी क्या हो जाएगा, क्या ए बी, ए सी को क्या माना था, क्या ए माइनस बी, सी बी को क्या माना था, क्या माइनस बी, और ए बी को ए माना था, तो अब बताओ क्या होगा, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड क्या पॉजिटिव है, तो राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव होनी चाहिए, एल एच एस इज पॉजिटिव सो आर एच एस ऑल्सो शुड बी पॉजिटिव, तो बताओ क्या होगा, तो मॉड लेना पड़ेगा नहीं तो पॉजिटिव तो नहीं हो पाएगा, सो अब कंबाइन कर दो, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहां से जो फर्स्ट इक्वेशन आई और ये जो सेकंड इक्वेशन आई, कंबाइनिंग इक्वेशन वन एंड टू, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो क्या चीज हो जाएगा, ए माइनस बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ए माइनस मॉड बी, इतनी बात समझ आ गई, अच्छा अब 4.7 देखो, When does the equality sign apply? When three points are collinear? Last में पूछ रहा है कि equality sign will apply only if three points are collinear. वैसे three points या given vectors are collinear. क्योंकि ए बी तो वेक्टर है ना, ये चीज हो गई, अब देखो कि 4.7 की बात करो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ए बी सी और डी जीरो हैं, ए बी सी और फिर डी, अगर उसी पॉइंट पे पहुंच गए तो क्या सबका सम जीरो हो जाएगा, ये बताओ ए बी सी, ए बी सी डी ऐसे है, तो ये बता दीजिए आप मुझे कि क्या ए बी वेक्टर और प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर, ये क्या ए डी वेक्टर है, जरा ध्यान से बताइएगा, यहाँ से यहाँ गए यहाँ से यहाँ गए यहाँ से गए, तो क्या ए से डी गए, बनेगा तो ए डी वेक्टर बनेगा कि नहीं, लेकिन हमने तो डी ए लिया है डी, क्योंकि ये चीज है हम तो उसी पॉइंट पे पहुंच गए, तो चलता देखिए, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर और ये है सी वेक्टर, और ए डी वेक्टर लोगी तो क्या माइनस डी वेक्टर हो जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि यदि ये थ्री वेक्टर हैं तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो यहां से जो यहां जाए वो वेक्टर इनका सम होगा, और क्या वही वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी होगा, और क्या वही वेक्टर ए डी वेक्टर होगा, है बात कि नहीं, तो इस तरीके से ये ए बी सी वेक्टर ये ए डी वेक्टर होगा, बट हमने तो यहाँ पर इन चारों का सम लिया, इससे क्या पता चलता है कि
ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ए डी वेक्टर भी है। और दूसरी बात से क्या पता चलता है कि ए प्लस बी इस वेक्टर जो है माइनस डी वेक्टर भी है। दो अलग अलग केस हैं। लॉ ऑफ क्लोज्ड पॉलीगन से क्या पता चलता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ए डी भी है। और अगर मान लो हमें गिवन क्या था बताओ, क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी था क्या? तो क्या इससे ये नहीं पता चलता कि ये इसके इक्वल भी है? लॉ ऑफ क्लोज्ड पॉलीगन से ये नहीं पता चलता कि ये इस ए डी के इक्वल है? देख लो बताओ। पता चल रहा है कि नहीं? इससे क्या चीज पता चलती है कि क्या इन चारों को नल वेक्टर होना चाहिए? ऐसी तो कोई चीज नहीं पता चल रही। नल की क्या जरूरत है, वहीं पे मिल जाए तो नल की क्या जरूरत है? तुम जोधपुर से घूमने गई, हावड़ा गई, चेन्नई गई, बेंगलोर गई, फिर जोधपुर आ गई, तो नल वेक्टर तो हो ही गया क्या? न कि हर एक को नल की जरूरत है? हर एक को नल की जरूरत नहीं है। तो पहली बात सही है कि गलत? फॉल्स। भी देखो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस डी। क्या ये बात सही हो सकती है? क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 0 है, तो अगर मैं बी प्लस सी उधर ले लूँ तो मतलब कह रहा है कि ए प्लस सी इधर रखो और उधर माइनस बी और माइनस डी, और दोनों तरफ मॉड ले लो, तो क्या उसकी ये बात सत्य साबित होगी? ये बात सही है। दैट इज इक्वल टू, अगर मैग्नीट्यूड लिया जाए इसका बी प्लस डी, तो माइनस का तो कोई मतलब नहीं है मैग्नीट्यूड में, तो वो बी प्लस डी आ जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, इसकी बात से तो हम भी सहमत हैं, तो ये ट्रू है। थर्ड देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड। सी कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड। अब एक ऐसी कुछ बात कर रहा है कि जरा देखें क्या बात ये करना चाहता है। तो हमें क्या चीज दी गई है? क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी दिया गया है? ठीक है, और ये कह रहा है 0 है। यहाँ तक ठीक है, ये 0 है। अब देखो कि जो ये है, क्या वो माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर होगा? ये ठीक लग रहा है आपको? बताइए। सब चीज उधर लेके निगेटिव लगा दिया, बोलो सही है। और अब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो तो क्या होगा बताइए? अब इसका मैग्नीट्यूड लो, टेकिंग मॉड मॉडुलस, सो मॉड ए इज माइनस बी प्लस सी प्लस डी, सो मॉड ए इट इज इक्वल टू मॉड बी प्लस सी प्लस डी। ये बात हो गई? सो ये ट्रू माना जाएगा ना कि ए का मैग्नीट्यूड इन तीनों के सम के इक्वल है। इक्वल बोला कि ग्रेटर? ग्रेटर बोला तो फाल्स है। सो कैन नेवर बी ग्रेटर, ना ग्रेटर होगा ना स्मॉलर होगा, इक्वल होगा। अब कैन नेवर बी ग्रेटर है तो ना वो कह रहा ग्रेटर नहीं होगा, तो ये तो सही कह ही रहा है ना, ये तो ठीक बोल ही रहा है, कह रहा ग्रेटर नहीं हो सकता, तो बात तो सही है कि नहीं उसकी? वो जो कह रहा वो तो सत्य है कि नहीं? हाँ नहीं तो बोलो। ठीक है, बी प्लस सी
must lie in the plane of A and D if A and D are not collinear, and the line of A and D if they are collinear. यानी अब चौथी बात कह रहा है कि अगर B plus C must lie in the plane of A and D, अगर A और D non collinear हैं, देखो non collinear हैं, तो कोलीनियर की बात की गई, सिर्फ सब एक ही प्लेन में है, सारे वेक्टर्स कैसे हैं, एक प्लेन में हैं, लेकिन ए और डी वेक्टर नॉन कोलीनियर है, तो ये ए हो गया और ये डी हो गया, तो ये क्या, ये इसका जो एक हम ऐसे पैरेललोग्राम बनाएंगे, क्या ये ए प्लस डी होगा और क्या B प्लस सी को ठीक इसके अपोजिट होना पड़ेगा अगर वो इसको नलीफाई करना चाहता है, तभी तो काट पाएगा, तभी तो चारों वेक्टर जीरो बन पाएंगे, दो आदमी इधर कुर्सी खिसका रहे हैं तो दो उधर ऐसे करें, वो अपना भले ही अलग अलग हों लेकिन उनका सम तो इधर होना ही चाहिए, तो B प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन, उसी प्लेन में लाई करे, अगर वो ऊपर उठ के लाई करेगा तब बात बन जाएगी क्या, तब तो एग्जैक्टली उसको कैंसिल करें, सो इसलिए ये बात सही है कि यहाँ पर क्या दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी ये जीरो है, तो ये देखो क्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर जीरो है, तो यहाँ पर दीज आर द थ्री वेक्टर्स, सो सम ऑफ थ्री वेक्टर्स ओनली कैन बी जीरो, कब जीरो हो सकता है, इफ दे लाई इन सेम प्लेन, उन्हें क्या होना पड़ेगा, सम ऑफ थ्री और दो वेक्टर के सम से तीसरा वेक्टर जो है उसका अपोजिट हो जाए, ये भी बात होती है कि नहीं, सम ऑफ थ्री वेक्टर्स कैन बी जीरो इफ दे आर, वो कैसे हों, कोप्लेनर हों, एंड एनी वेक्टर शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल टू इट, हमने आपको ये बात भली भांति समझाई है पहले भी कि किन्हीं भी दो का लो सम तो तीसरे के बराबर बैठता है, बोलो बताइए कि नहीं, पहले भी a प्लस बी c के बराबर है, b प्लस सी a के बराबर है, बताया, याद आ रहा है कि फिर से बता दें, याद है कि नहीं, तेज बोलो, समझ में आए, नहीं याद है तो बता, याद सुनाई पड़ रहा है, आगे सुनाई नहीं पड़ रहा तो क्या बताए, क्या कह रही हो, हाँ ये बोलो, बता दो, सो बी जीरो इफ दे आर कोप्लेनर एंड एनी वेक्टर रिप्रेजेंट, जो एनी वेक्टर हो, एनी वेक्टर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ अदर टू वेक्टर, एंड एंटी पैरेलल टू इट, ये बात होती है, मान लीजिए कि अगर किसी पॉइंट पर टू वेक्टर्स लग रहे हैं तो इन दोनों से एक पैरेललोग्राम बनाओ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये कौन सा वेक्टर हुआ, क्या a प्लस बी है, और ये अगर एक c ऐसे लग जाए ये, तो इससे क्या पता चलता है कि a प्लस बी वेक्टर c के इक्वल हुआ, a प्लस बी वेक्टर कैसा हुआ, एंटी पैरेलल है, तभी तो उसे काट पाएगा, या ये भी कहा जा सकता है कि मतलब उसके एंटी पैरेलल होना चाहिए, और इसी तरीके से जो a वेक्टर है वो किसकी तरफ होना चाहिए, वो भी काटना चाहिए, अगर ये पॉइंट स्टेटिक है तो यहाँ पर एक जो ये बनेगा
इसके ठीक अपोजिट। तो बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बनाया जाए तो पैरेललोग्राम ही बनेंगे सारे, ठीक है। तो ये एक मिनट, ये मान लो इसके अपोजिट वेक्टर ये है, तो इससे भी एक पैरेललोग्राम बनेगा, ये इसके अपोजिट हो जाएगा, और इसके अपोजिट भी ये इनका पैरेललोग्राम बनेगा, ए और सी का, ए और सी का पैरेललोग्राम। तो यानी ये चीज़ क्या हुई, क्या ए प्लस सी हुई जिसको बी काट रहा है, क्या ये बी प्लस सी हुई जिसको कि ए काट रहा है, यानी कोई भी वेक्टर दो के सम को काट रहा है कि नहीं। अगर थ्री वेक्टर्स ऐसे लगे हुए हैं, सो थ्री वेक्टर्स अगर बैलेंस में हैं, तो क्या चीज़ है ये, जैसे ये एक वेक्टर, दो वेक्टर और ये थ्री वेक्टर, तो अगर ये बैलेंस में हैं तो ये बात ऐसे भी की जा सकती है कि और कहीं जा नहीं रहे, इसके सामने के एंगल को ए बताओ, इसके सामने के एंगल को बी, इसके सामने के एंगल को सी, तो क्या ये बताइए ए बाई साइन ए इज इक्वल्स टू बी बाई साइन बी इज इक्वल्स टू सी बाई साइन सी, क्या ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ये पॉइंट स्टेटिक रहेगा। यही लामीज थ्योरम है। फिर से देखो, एक तरीके से बताया, दूसरी तरीके से ये बताया, अब तीसरी तरीके से देखो कि अगर मान लीजिए एक वेक्टर ऐसा है और दूसरा वेक्टर मान लीजिए ऐसा है, तो जो हम इनका रिजल्टेंट बनाएंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, देखो तो क्या होगा कि ये वेक्टर, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है। सो ए वेक्टर, बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, बी ए है तो बी ए भी होगा क्या, बताओ, बी तो ये भी हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। और अगर ये तीसरा उसी तरफ आ जाता है माइनस सी वेक्टर, तब तो जुड़ जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ए प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी प्लस सी हम करना चाहते हैं, जरा देखो प्लस सी करना चाहता हूँ मैं, तो प्लस सी के लिए मुझे यहाँ लौट आना चाहिए, तब ये सी वेक्टर है, यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए, तो वहीं पहुँच गए कि नहीं, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्या यही ए वेक्टर नहीं हो गया, लॉ ऑफ क्लोज पॉलीगन कुछ बचा हमारे पास, ए वेक्टर बन गया, क्या वो जीरो वेक्टर नहीं है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि इस वाले क्वेश्चन में ये सी वेक्टर है। और अब जरा देखो कि जो भी अब हमारे पास क्या है कि सम ऑफ एनी टू वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड वेक्टर, दीज थ्री लाई शुड लाई इन ए प्लेन, ये तीनों एक प्लेन में लाई करने चाहिए। अब यहाँ पर मैं तीनों वेक्टर अलग अलग लेता हूँ, एक वेक्टर ए बी इधर लूँ तो ये किधर लूँ बताओ, दिस इज क्योंकि सब बैलेंस कर रहे हैं, इनका सम जीरो है, बी किधर लूँ, क्या बी इधर ले लूँ एग्जैक्टली, और सी किधर लूँ, तो सी हमें किधर लेना चाहिए, चीज़ें बिल्कुल ठीक ठीक लोगे तो अच्छा पैरेललोग्राम बनेगा, बिल्कुल बी की तरफ ही बी लो, तो जो बी है ये ले लिया भी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी किधर लिया है बताओ, है वही चीज ली कि नहीं, अब कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, ए बी सी, तो इसी से तो वो बनेगा पैरेललोग्राम। तो इस तरीके से, तो क्या ए प्लस बी की डायरेक्शन में ही और एंटी पैरेलल सी नहीं है, और बी के अपोजिट ले लो, B के अपोजिट एक वेक्टर, और फिर इनसे भी एक पैरेललोग्राम बनाओ, तो वो अगर सही तरीके से बनाया जाएगा, बिल्कुल C की तरफ ही C लोगे तो B के एंटी पैरेलल भी आ जाएगा वो। और ऐसे ही A के इधर लो, तो ये कौन सा है, क्या ये A प्लस C है जिसे B काट रहा है, और ये कौन सा है, मान लो बी है,
बिल्कुल स्केल से बनाना पड़ेगा। और ये तो एक तरह से ये b प्लस सी है, जिसे कौन काट रहा है? ए। तो ये कहा जा सकता है कि अब हम लोग अपनी बात पर आते हैं। हमने क्या बात कही बताओ कि दिस ये जो भी वेक्टर्स हैं दे शुड लाई इन ए प्लेन एंड सम ऑफ एनी टू वेक्टर्स जो भी है इस शुड बी कैंसल्ड बाय थर्ड वेक्टर। बोलो भाई बात सही कि नहीं? बोलो कि नलीफाई हो जाना चाहिए ना थर्ड वेक्टर से। सो सम ऑफ एनी टू वेक्टर शुड बी हियर सम ऑफ एनी टू वेक्टर शुड बी नलीफाइड बाय थर्ड वेक्टर। ये चीज हो गई। तो ये अगर कह रहा है कि ये प्लेन मिलाई करना चाहिए सो ये ट्रू है इसका आंसर। अब देखो 4.8 क्या कह रहा है कि थ्री गर्ल्स आर स्केटिंग ऑन ए सर्कुलर आइस ग्राउंड ऑफ रेडियस 200 मीटर। 200 मीटर के रेडियस में स्केटिंग हो रही है, आइस स्केटिंग। तो आइस स्केटिंग है पी पॉइंट से ऑन द एज ऑफ ग्राउंड एंड रीच द क्यू डायमेट्रिकली अपोजिट। तो एक लड़की तो सीधा पहुंच जाती है पी से डायमेट्रिकली अपोजिट 200 मीटर चलकर। ये बी लड़की है, ये ऐसे पहुंच जाती है। लेकिन ए कैसे पहुंचती है? क्या ऐसे पहुंचती है? और सी कैसे पहुंचती है स्केटिंग करके? क्या वो ऐसे पहुंचती है? ये चीज़ें अब वो क्या पूछता है, ये सब क्यू पे पहुंच गई हैं जो कि 200 मीटर है। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ईच, सबके लिए मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या 200 मीटर ही होगा फॉर ऑल गर्ल्स? बताइए displacement is shortest distance between P and Q that is diameter that is 200 meter. So किस लड़की के लिए it is actual length of path length? So for B girl, as she is moving in a straight line path, in one direction, so magnitude of displacement मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हुआ? इट इज इक्वल टू पाथ लेंथ अब देखो 4.9 क्या कहता है कि साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। तो एक साइक्लिस्ट है वो सर्कुलर पार्क है और उसका सेंटर हो गया। अच्छा देखो कैसे चलता है ये क्वेश्चन पढ़ने पे ही पता चलेगा। क्यू ओ पी 1 किलोमीटर का रेडियस है, 1 किलोमीटर reaches the edge of park from center O, center O से चला फिर यहाँ चला फिर क्या हुआ circumference पे चला, पहले यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ ऐसे चला। ठीक
ठीक है, एंड देन रिटर्न टू द सेंटर। इफ द राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट? तो कह रहा है नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है। सो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है? बताया करो। नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, इनिशियल से फाइनल वही है, कोइंसाइड कर रहा है। सो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो डिले क्यों लगाती हो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट जीरो है और टाइम कितना है? मिनट में ही बताओगी? ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट। एवरेज स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट, साइक्लिस्ट की एवरेज स्पीड बतानी है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? क्या पाथ लेंथ अपॉन टाइम? पाथ लेंथ क्या है? ओपी प्लस पीक्यू और प्लस क्यूओ और अपॉन टाइम 600 सेकंड है। ओपी कितना है? क्या 1000 मीटर? पीक्यू कितना है? 1/4 ऑफ 2πr। ओक्यू कितना है? 1000। बोलो, ये समझ में आई बात? सो 2000 हो गया और प्लस पाई आर बाई टू, तो पाई आर बाई टू दैट इज 27/2 और 1/2 कर दो और आर है 1000। सो इससे कट के 11 आ गया और बाई 600। तो 2000 प्लस 11000 बाई 7 बाई 600, तो 14000 प्लस 11000, 7 × 600, तो इट इज 25000 अपॉन 7 × 600। दो जीरो से दो जीरो कट गया, सो 250 × 7 × 6, 125 × 7 × 3, सो 125/21। इसको कैलकुलेट करो। सर्कुलर आइस ग्राउंड रेडियस 200 था, उसको करेक्ट करो। डिस्प्लेसमेंट 400 है, बताया करो। गलती हो जाए तो बता दिया करो। रेडियस 200 मीटर था तो डायमीटर 400 मीटर। हाँ, इसे कैलकुलेट करिए। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? 3.95 मीटर पर सेकंड, बट बुक में किलोमीटर पर आवर है। तो 5.95 में किससे मल्टीप्लाई करें किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए? बताइए। रिस्पॉन्ड बोलो, मतलब 5/18 से करेंगे? 18/5। हाँ, वही पूछ रहा। चलो, किलोमीटर पर आवर। अब इसे बदलो तो बुक के पीछे का आंसर आ जाए। यही आ रहा है, 21.43 आ रहा है, बट 42। चलो ठीक है,
किलोमीटर पर आवर। 4.10, 4.10 में क्या कह रहा है, सवाल पढ़ो कि ओपन ग्राउंड है और ओपन ग्राउंड में मोटर मोटरिस्ट फॉलो ए ट्रैक कि बाई एंगल ऑफ 60 डिग्री घूम जाता है, 500 मीटर चला और 500 मीटर चलने के बाद ये 60 डिग्री घूम गया, फिर आगे नहीं चला, 500 मीटर चलने के बाद 60 डिग्री घूम गया और फिर 500 मीटर चला और अब यहाँ से फिर आगे नहीं चला, फिर 60 डिग्री घूम गया। अच्छा, अब इसको आगे चलना चाहिए था बट वो चला ही नहीं, वो तो 60 डिग्री घूम गया। अब इसके बाद इसे आगे चलना चाहिए था बट वो तो नहीं चला, वो 60 डिग्री घूम गया, ऐसे कर रहा है। नाउ अब आगे चलना चाहिए बट वो नहीं चला और 60 डिग्री घूम गया, ऐसे कर रहा है। तो 60 डिग्री घूम जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन पॉइंट, मान लीजिए वो ए से चला है, ए फिर बी सी डी ई और एफ, ऐसे चल रहा है। ओके, स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोटरिस्ट एट द थर्ड सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न। तो पहले चला, क्या ये फर्स्ट टर्न है, ये सेकंड टर्न है, तो एट द थर्ड टर्न ये हुआ कि नहीं। सो थर्ड टर्न पर उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या वो एडी है, बताओ। सो एट थर्ड टर्न डिस्प्लेसमेंट इज ए डी। अच्छा, ड्यू टू सिमेट्री, अब इसमें सिमेट्री ढूंढो, सब फाइव फाइव है, इट इज रेगुलर हेक्सागन, इट इज रेगुलर हेक्सागन। सो ड्यू टू सिमेट्री क्या होगा, इससे इसको मिला लो और इससे इसको मिला लो, तो क्या ये एंगल 60 है, तो ये बचा हुआ 120 होगा, 60 डिग्री है तो बचा 120 होगा, क्या बताओ। 60, ये 60 डिग्री है तो बचा कितना है, 120 में चूंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो क्या दोनों 60-60 हो गए, क्या ये भी इसी तरीके से 60-60 हो गया, तो क्या ये 60 तो ये भी 60, और ड्यू टू सिमेट्री हर जगह ऐसा होगा, ये भी 60, तो क्या ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आलम्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल, लेटरल्स का मतलब साइड, क्या ऑल लेटरल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, तो ये 500 है तो क्या ये 500, तो क्या ये 500, तो क्या ये भी 500 और ये भी 500, क्योंकि ये भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। तो अब जरा देखो कि ये 500 इधर लिख लो, जिससे असली चीज असली जगह रहे, यहाँ लिखो 500 मीटर, तो क्या ये भी 500, ठीक है। सो हम कह सकते हैं बाय डायग्राम इट इज रेगुलर हेक्सागन एंड ए ओ बी जो ट्रायंगल है और बी ओ सी सी ओ डी आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, एज एक्सप्लेन्ड इन डायग्राम। सो ए ओ इज इक्वल्स टू 500 मीटर,
प्लस ओडी, सॉरी ओडी भी 500 मीटर होगा, तो ये सब 500 है, तो एडी क्या हो जाएगा? क्या 1000 मीटर? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट कब है? डिस्प्लेसमेंट एट थर्ड टर्न, यहां तक समझ में आया? सिक्स्थ टर्न की बात करो, 1 2 3, अब सिक्स्थ टर्न कहां आएगा? 1 2 3, फिर ये फोर्थ टर्न है, ये फिफ्थ टर्न है और ये सिक्स्थ टर्न है। जब वो सिक्स्थ टर्न में आएगा तो उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एट सिक्स्थ टर्न? क्या वो अपनी ही जगह पहुंच जाएगा? 1 2 3 4 5 6, यहीं से चला था ना। सो एज ऑब्जेक्ट हैज स्टार्टेड फ्रॉम ए, एज साइक्लिस्ट हैज स्टार्टेड फ्रॉम ए, ठीक है, मोटरिस्ट है, मोटरिस्ट हैज स्टार्टेड फ्रॉम ए, देन आफ्टर सिक्स टर्न्स या एट सिक्स टर्न, जब सिक्स टर्न पे पहुंचेगा तब क्या होगा? एट सिक्स टर्न इट विल बी एट इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? सो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इज इक्वल्स टू ए ए, दैट इज जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड भी लिख देना चाहिए। अच्छा, अब सिक्स के बाद क्या होगा? ये रेगुलर हेक्सागन है, ए से चला है, तो 1 2 1 तो ये नहीं है, वो तो वहां से चला है, चलते ही थोड़ी ना कोई टर्न लेता है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये एट्थ टर्न है, एट्थ टर्न में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? क्या दैट विल बी ए सी? बोलो। अच्छा, क्या ये 500 है और क्या ये 500 है और ये क्या दो, ये 120 है? बोलो, बताओ। तो ये मुझे बताओ कि cos 120 क्या होता है? क्या अगल बगल वाली साइड का स्क्वायर और माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू अगल बगल वाली साइड? बताओ, ऐसा कहीं पढ़ा है? कोई भी एंगल है तो अगल बगल वाली साइड का स्क्वायर माइनस सामने वाली अपॉन 2, यही कर दिया। तो ये 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर माइनस 500 स्क्वायर, नहीं एसी तो पता नहीं ना, एसी को एसी लिखो, एसी तो पता करना है कि एट्थ टर्न पे वो अपने इनिशियल पॉइंट पे कितना, इसे लिखो एसी स्क्वायर। अच्छा, अपॉन में क्या करोगी? 2 इंटू 500 इंटू 500, कॉस 120 को क्या समझती हो? बताया करो, कुछ तो बताओ, सवाल आगे बढ़ेगा। Am I audible? तो बताओ cos 120 क्या होगा, बताओ। कितना? 90 प्लस 30 तो लिख दिया है, आगे तो बताओ।
जल्दी बताना चाहिए था। अब ये चीज इधर ले आओ, इंटू टू का करोगी तो 1000 इंटू 500, और उधर क्या बचेगा ये कितना होता है, ये तो बहुत सारा होगा, 2 × 500² - AC² तो ये -1/2 इंटू 1000 इंटू 500, ये भी इधर ले आओ, -2 × 500² तो उधर -AC बचा। अच्छा क्या इससे ये कट के माइनस का मतलब ये 500 आ गया, तो क्या ये बन गया -500² और ये क्या हो गया -2 × 500² -AC² तो क्या -3 × 500² इज -AC² तो AC² क्या हो गया, क्या 3 × 500² तो AC क्या हो गया, क्या 500 बाहर निकल जाएगा, √3 फंस जाएगा। √3 की क्या वैल्यू है, वैसे तो आंसर यही है तो हमें पता नहीं करना है, बस 500 √3 मीटर पीछे आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों ने टोटल पाथ लेंथ, अभी पाथ लेंथ भी पूछ रहा है कि तीनों में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ, अब पाथ लेंथ की बात करो सो ये मुझे अब आप बताती जाइएगा, पाथ लेंथ एट थर्ड टर्न, एंड तो नहीं है, एट थर्ड टर्न बताओ, अच्छी बात है, तो देट इज उसको ऐसे लिख लेना कि AB + BC + CD, थोड़ा सा तो दिखाना पड़ता है ना, तो 1500 ये बताओ एट सिक्स्थ टर्न, ठीक है AB × 6 एट एट्थ टर्न, एट्थ टर्न में सही है, सो दिस इज AB × 8 500 × 8 तो ये हम लोगों ने कंपेयर कर लिया कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, और साथ ही साथ ये भी देख लिया कि और भी कुछ पूछ रहा है। तो रही बात इस सवाल में एट्थ टर्न पे करने की, तो आपको एक और सवाल बता दे फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि जो बच्चे मैथ न जाने वो कैसे करें, तो ऐसे केस में ये 120 डिग्री है, ठीक है कि नहीं, और यहाँ पर 120 डिग्री है। नाउ लेट अस सी कि ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ये जो चीज़ है ये 120 है, तो अगर मतलब वैसे तो ये इधर जा रहा है, तो आपको ये AB C ओके, तो इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर भी सिमेट्रिकल होगा, और ये 500 है और ये क्या है 500 है, तो इसे अब आप O लिख लीजिए, तो AO ये दोनों 60-60 हो गए, ठीक। तो ये मुझे बताओ कि
अगर ये 60 डिग्री है तो साइन 60 क्या होगा? तब तो परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा। ये लेने के लिए हमें क्या लेना, साइन 60 ठीक है, इस पे लोगे तो परपेंडिकुलर है, ए ओ परपेंडिकुलर हो गया अपॉन ए बी, तो बताओ ए ओ कितना हुआ? क्या 500 साइन 60 डिग्री? क्या 500 रूट 3/2? और ए सी क्या हुआ? क्या 2 AO? बताओ। अब तो 2 × 500 इंटू रूट 3/2, तो क्या 500 रूट 3 आ गया? तो ये एक दूसरा मेथड है, लेकिन कुछ बच्चे ट्रिग्नोमेट्री भूल चुके होते हैं तो वो कैसे करें? फिर उनके लिए भी कुछ होना चाहिए, वो तो 10th का ट्रिग्नोमेट्री भूल चुके हैं। तो ऐसे केस में हमारा तो हेक्सागन इधर बन रहा है ना, मतलब हेक्सागन इधर बन रहा है और फिर उधर से कहीं और जा रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे इसके लिए, ये जो भी है एक हेक्सागन बना लो, तो पहले हम क्या करेंगे, ठीक है? अब ये देखो कि ये चीज़ है, ये है और रेगुलर हेक्सागन है, तो इसको इधर कर दो थोड़ा सा इधर, तो ये जो चीज़ है ये और फिर ये ऐसे बना रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में क्या ये चीज़ आपको चाहिए? क्योंकि एट टर्न तो यही है और बाकी चीज़ें हमने बना दी हैं रेगुलर हेक्सागन, और क्या ये इसका सेंटर है? तो अगर मैं इसको सेंटर से मिला दूं, तो अब यहाँ पर देखो और फिर इससे भी मिला दूं, तो ये एक क्या बन जाता है रेगुलर हेक्सागन में, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तीन पैरेललोग्राम बनते हैं कि नहीं रेगुलर हेक्सागन में? एक ये और एक इधर भी तो बनेगा, बताओ बनते हैं कि नहीं? अच्छा ये 500 है और ये 500 है, ये सोचो बी है और ये आर है, इनके बीच का एंगल कितना होगा? ये कितना एंगल है बताओ? क्या ये 60 डिग्री है? तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? क्या 60 डिग्री? तो अगर 60 डिग्री होगा तो आर का क्या फार्मूला बताया गया है कि रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 AB कॉस थीटा, बताइए ये चीज है कि नहीं? तो आर क्या हो जाएगा कि रूट 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर और माइनस 2 × 500 × 500 × cos 60 डिग्री। तो वो कैसे करें? सो रूट के अंदर 2 × 500 स्क्वायर, और क्या ये जो 2 है वो cos 60 से कट जाएगा? क्योंकि दो ये हाफ है, ये 2 है, बोलो cos 60 तो हाफ होता है ना, तो ये माइनस 500 स्क्वायर। तो अब जरा देखो आर की वैल्यू, ये प्लस होता है, ये गड़बड़ कर दी, तो ये क्या रूट में 3 × 500 स्क्वायर आ गया, तो क्या 500 रूट 3 आ गया, बताइए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बच्चे ये फार्मूला भूल चुके हों, तो वो कैसे करें? ये भी तो संभावना है ना, तो उनको भी तो नंबर चाहिए और हमें चाहिए ये, तो क्या इसको सेंटर से मिला देने पर ये एक पैरेललोग्राम बनता है, और ड्यू टू सिमेट्री क्या ये 30 डिग्री है, बताइए।
अच्छा ये 30 डिग्री है और ये 500 है, और ये पैरेललोग्राम की वजह से ये भी 500 है। तो ये मुझे बताओ टेन अल्फा क्या होता है? क्या दूसरी तरफ का वैल्यू, अगर इसे अल्फा मान लिया जाए तो दूसरी तरफ की वैल्यू ठीक है, लेकिन उससे तो हमारे पास डिग्री आएगी। सो डिग्री पूछा जा रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट में डिग्री भी पूछी जा रही है कि आपको ये भी बताना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। हर एक में डिग्री पूछी जा रही है। तो कह रहा है टेन अल्फा बताओ, हम 30 डिग्री नहीं ले सकते फिर, अब हमें डिस्प्लेसमेंट की डिग्री चाहिए। वैसे 30 है ड्यू टू सिमेट्री 30 है, तो टोटल आपने इसका कितना निकाल लिया? यही अल्फा लो, हर एक में अब डिग्री भी बतानी है। कह रहा है जितने डिस्प्लेसमेंट हैं सामने वाले में भी डिग्री बतानी है। आपका कितना टर्न आया था, थर्ड आया था कि नहीं? तो कह रहा है डिस्प्लेसमेंट में दोनों है, मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा, सवाल में पढ़ो। तो ये 500 और टोटल एंगल कितना है? क्या साइन 60 डिग्री? क्योंकि यहाँ पे 60 है ना, तो ये भी तो 60 हुआ। और नीचे ये वाला 500 और प्लस 500 cos 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? 500 into √3/2, और नीचे क्या आ जाएगा? 500 + 500 into ½, तो क्या हो जाएगा कि ऊपर में आ जाएगा। ये आपका कौन सा टर्न है? क्या 8th टर्न? तब डिग्री बता रहे हैं, तो 8th की भी बतानी है। 6th में तो बच जाएंगे, 6th में तो हम उसी पॉइंट पे आ गए, लेकिन 3rd की भी बतानी पड़ेगी। तो ये बच, ये कितना हो गया? 250 आया, और नीचे कितना आ गया? क्या 750? देख लो 500 to √3, तो क्या ये 3 आ गया? तो क्या ये 1/√3 आ गया? तो फिर टेन अल्फा कितना आ गया? क्या 10 30 डिग्री आ गया? तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है? सो इट इज अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग एट 30 डिग्री फ्रॉम इनिशियल, वो जो भी लाइन है ऑफ मूवमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट एट 8th टर्न इज 500 √3 मीटर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम लाइन जो भी है ऑफ इनिशियल मोशन। ये तो हमने डिस्प्लेसमेंट की सारी बात कह दी, लेकिन हमारे पास तो जैसे ये है कि वो कह रहा है कि मान लो 3rd हो तब उसका क्या एंगल होगा, तब भी तो एंगल बताना पड़ेगा। तो क्या ये वाली चीज है? तो अब इसमें ज्यादा मत करना, ये 60 डिग्री है, तो ये कह सकते हैं ड्यू टू सिमेट्री। ये कितना हो जाएगा? अब कहाँ कहाँ निकालेंगे? वैसे तो हमने ये जस्टिफाई कर ही दिया था कि ये ट्रायंगल है, वो लोग कर दिया था कि नहीं? तो ये 60 डिग्री हो गया कि नहीं? और ये ए बी सी डी, तो ये कह देना कि एट 3rd टर्न डिस्प्लेसमेंट इज 1000 मीटर एट 60 डिग्री फ्रॉम इनिशियल लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन, या फ्रॉम ए भी लिख सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। एंड एट 6th टर्न डिस्प्लेसमेंट इज 0 मीटर, 0 मीटर ठीक है। एंड द पॉइंट कोइंसाइड्स विद इनिशियल पॉइंट,
तो अभी हम लोगों का 4.10 तक हो गया है, फिर भी 4.19 तक का सफर है आगे। चलो अगली अभी क्लास आएगी उसमें करेंगे इसे। ओके, थैंक यू।